मैंने इंडिया में क्या कह रहा है, वो आके मैं तंग कर रहा है इधर, कुछ कर रहा है नहीं, ना हो रहा कुछ भी। हालात तो बहुत ज्यादा खराब है आपके सामने, मुल्क तबाह हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है मुल्क जैसे। तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो पांचवीं बन गए हैं अब वो तीसरी भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो हम पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है। जिंदगी में ये तो सुना होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जी दुश्मन तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मानते हैं इसको दुश्मन? नहीं नहीं नहीं, वो जो उनसे हुआ है ना, ये पॉलिटिशियन सारे इनकी वजह से, और कुछ अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तानी पब्लिक में। इंडिया अब जैसे जा रहा है तो जारी बात है वो आ सकता है, नंबर वन पे भी आ सकता है। उनके लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, वो है जो पाँच सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, अभी पाँचवीं है। जी जिस हिसाब से दूसरी का लगता है वो तो उन्होंने तीसरी का कहा तो हमें तो दूसरी का लगता है, जिस तरह वो कर रहे हैं अपने अमेरिका के बाद। हाँ जी, ट्रेड बंद के अब हमने अपनी आवाम को मारा है या हमने इंडिया का नुकसान किया? वही ना, अपने हम नुकसान कर रहे हैं, अपनी आवाम का नुकसान कर रहे हैं। इंडिया को इससे क्या होता है, बस हमारे जी बयान दे रहे हैं कि जी हमने इंडिया के साथ, वो बहुत आगे निकल गए हैं, हम उनसे ट्रेड रोक के नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे हमने अपना नुकसान किया है, ऐसे हमारी अपनी गलती है कि हमारे लोगों में नफरतें डाल रहे हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, और वो अपनी तरक्की पे फोकस किया हुआ है, हम दुश्मनी दुश्मनी खेल के अपनी यूथ का दिमाग जो है उसको जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। इस टाइम मोदी ने भी कहा था कि जिस तरह के उनके हालात हैं, अगर ये एटमी ताकत ना होती तो हम इस पे हमला कर चुके होते हैं। अपने माइंड सेट हम सबको चेंज करना है, हम दूसरे पे तनकीद अच्छे से कर लेते हैं, अपने गिरबान में नहीं झाँकते, अपने आप को नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है ये जरूर देखते हैं। बिल्कुल, ये दूसरे पे तनकीद कोई अब कर रहे हैं तो कसूरवार हम इंडिया को ठहरा रहे हैं, अमेरिका को ठहरा रहे हैं। अजीब गरीब सवाल है कि हम अपने आप मुल्क में बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, कसूरवार इंडिया है, हम कितना पीछे रह गए, हम बस इंडिया को बस हम कोई फजूल बात में ही हम ना उसके पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, इंस्पिरेशन लेने की बजाय हम बिल्कुल बेहतर कर ले, बिल्कुल सही बात है ये। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो इंडिया है वो दुनिया की बड़ी पाँचवीं इकॉनमी तो पहले ही है, लेकिन अगले पाँच सालों में वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। इस पे पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या उनको लगता है कि इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। मुझे तो लगता है कि बन जाएंगे, अब पब्लिक क्या कहती है वो देखते हैं वीडियो में। और साथ ही अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में रोटी की बात हो रही है, सब्ज़ी कितने की मिलेगी, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, गवर्नमेंट कौन सी जाएगी, ये जी पाकिस्तान में हो रहा है। और नेबर की कंट्री की बात कर ले तो वो ये बातें कर रहे हैं, पाँचवें से तीसरे पर कहाँ आना है, और तीसरे के बाद वो कहेंगे दूसरे और पहले पर कब आना है। सिचुएशन आपके सामने, चलते हैं पब्लिक के पास और पब्लिक से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है, और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इस्माइल। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, किस फील्ड के स्टूडेंट हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सी ए कर रहा हूँ। सी ए कर रहे हैं आप? मैं भी सी ए कर रहा हूँ। सी ए कर रहे हैं। हाँ। ब्रदर, कब क्या सिचुएशन चल रही है अभी आपके इर्द गिर्द? आपने माहौल सुना होगा, जो महंगाई का सूरत हाल है, जो मुल्क के हालात है, डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, तो क्या अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या देख रहे हैं आगे पाकिस्तान क्या होने वाला है? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके सामने, मुल्क तबाह हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है मुल्क जैसे कि हमारे। वो तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने मान ही लिया था कि हम डिफॉल्ट हुए नहीं, हम हो चुके हैं। वही ना, बहुत बुरे। मैं समझता हूँ कितने गरीब बेचारा रोटी कैसे खाता होगा दो टाइम की, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन गरीब के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप बताएं क्या सूरत हाल चल रही है अभी इर्द गिर्द? सूरत हाल बहुत ख़राब है अब, खसूसी तौर पे सफ़ेद पोश तबका जो है उसे काफ़ी परेशानी का सामना मेरे लिहाज से करना पड़ रहा है। मिडिल क्लास भी अब गया, मिडिल क्लास। हाँ, इस मुल्क में अब देखा जाए तो बंदा मिडिल क्लास के लिए बहुत जीना मुश्किल कर दिया। अब जैसे देखें आप, इतने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि भाई फ्यूचर नहीं है उनका यहाँ। बिल्कुल, फ्यूचर बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। हर फील्ड में इन्होंने बहुत सैचुरेशन हो गई है, बहुत मतलब बेड़ा गर्क हुआ हो चुका है यहाँ का। इन्होंने कहा जी बेड़ा गर्क हो चुका हुआ। अगर मैं करूँ बात नेबर कंट्री की, इंडिया की, तो कल ही स्टेटमेंट आ रही है उनके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की कि जो इंडिया है वो दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकॉनमी तो है, लेकिन अब अगले पाँच ईयर का उनका टारगेट है कि वो दुनिया की तीसरी बनेगा यूएस चाइना के बाद। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जिस विजन पर चल पड़ा हुआ है, जिस काम पर वो लगा हुआ है, वो पाँचवीं से तीसरी पर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, पहली पे भी आ सकता है, क्योंकि यार उनको अपने मुल्क का है पड़ा। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको बस सिर्फ एक ही बंदे के पीछे लगे हैं, इमरान खान को हमने कैसे गिराना है, इमरान खान। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। अब जैसे इंडिया अब जैसे जा रहा है तो जारी बात है वो आ सकता है, नंबर वन पर भी आ सकता है। उनके लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, वो आईटी फील्ड उनका देख लें, क्योंकि आगे स्कोप आईटी का, आईटी में वो बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। मतलब आप एग्री करते हैं इस चीज़ के? आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? हाँ जी, इंडिया वाकई बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनका हर लिहाज से, हर फील्ड में, हर सेक्टर में वो काफ़ी आगे जाते ही जा रहे हैं। असल में मीडिया भी देखा जाए, मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है।
तो असल हमारा जो मीडिया है मतलब एक ही चीज़ पे लगाया हुआ है, आवाम को एक ही माइंड सेट है कि बस सियासत के पीछे ही हमारी सोच को लगा दिया गया है और किसी चीज़ की तरफ हम सोच नहीं सकते, क्योंकि बस लोग इसी झड़प में हैं कि तुम्हारी पार्टी या मेरी पार्टी, एक दो बंदों के पीछे ही पड़े हुए हैं। यही तो मतलब वो पॉइंट है जो मैं भी रेज़ करना चाह रहा था कि जो हमारे मीडिया है उन्होंने हमें, हमारी आवाम को ये बता ही नहीं रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको सियासतदानों के आगे पीछे मटकाया हुआ है और हमारी जो यंग जनरेशन है उनके माइंड्स नेगेटिव करके नफरतें फैला के ताकि ना ये ऊपर आए, ना ये हमसे सवाल करें, ना इनको पता चले कि कौन सा दूसरा मुल्क हमसे आगे जा रहा है। हम सोशल मीडिया वालों ने यही तो कदम उठाया है कि हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि भाई वो देख लो वो कहाँ पर जा रहा है, हम क्यों जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हमें क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हम आगे जा सकते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि हम भी, पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने एक वो शुरू से एक दुश्मनी बनाई हुई है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आम ने नहीं बनाई हुई, हुक्मरानों ने बनवाई हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, इसी हमारे ऊपर बड़े बैठे उन्होंने बनवाई हुई, क्योंकि उनका रोजगार इसी दुश्मनी से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे, अब जैसे आप देख रहे हैं ट्रेड बंद हो जाती है, पाकिस्तान इंडिया को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारा वो गरीब 300 रुपये का प्याज किलो लेता है और उधर वहाँ पे कितना होगा, 25 से 30 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे 40-50 रुपये आलू किलो, वहाँ पे 10 रुपये। 10 रुपये ऐसे ही है, यहाँ उधर की 20 रुपये की सब्ज़ी है, यहाँ पे वो 400 की सब्ज़ी है। यार ये हालात है, ट्रेड बंद के हमने अपनी आवाम को मारा है या हमने इंडिया का नुकसान किया? वही ना, अपने हम नुकसान करें, अपनी आवाम का नुकसान करें, इंडिया को इससे क्या होता है? बस हमारे जी बयान दे रहे हैं कि जी हमने इंडिया के साथ वो बहुत आगे निकल गए, हम उनसे ट्रेड रोक के नहीं रोक सकते, कुछ नहीं कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे, हमने अपना नुकसान किया है, ऐसे हमारी अपनी गलती है कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। हम एक किस्म से इंडिया को तोड़ने में लगे हुए हैं कि हमने उनके साथ ट्रेड रोक दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारे अपना बहुत आगे हैं। ऐसे ही आपको लगता है ट्रेड हो तो हमारी जो आवाम है उनको सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि ट्रेड होनी चाहिए, दोनों हमसाया ममालिक हैं। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे में मुल्क में जब प्यार बढ़ेगा तो फिर ट्रेड बढ़ेगी, सबसे खुशहाली आएगी। दोनों मुल्क गरीब मुल्क हैं, जाहिर बात है इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है लेकिन वहाँ पे अभी हम गरीब रहेंगे, वो अमीरों की लिस्ट में, वो अमीरों की लिस्ट में वाकई निकल गया है लेकिन वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी उन्हें भी अभी काफ़ी गुर्बत पर काबू पाने के लिए टाइम की ज़रूरत है। लेकिन उनकी पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब वो सोच ऐसे रहे हैं कि भाई अपने मुल्क को आगे ले जाने की तरफ वो देख रहे हैं, को गिराने के चक्कर में नहीं है, खुद बिल्कुल को ऊपर ले उनकी जाने के सही में। बात है, वहाँ पे अगर कोई एक पार्टी सिलेक्ट होती है ठीक है, अपोजिशन होती है वहाँ पे कुछ अरसे तक करते हैं, अपोज करते हैं लेकिन बाद में वो इतना नहीं गिराते दूसरे को कि भाई मुल्क को तबाह करने, मुल्क को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे इन्हें मुल्क का कोई परवाह नहीं है, कोई मुल्क को जो हो रहा है होने तो अपने हाल पे छोड़ा हुआ है इन्होंने, पता नहीं मुल्क चल कैसे रहा है, ये अल्लाह के आसरे पे है लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है, हमें आवाम को भी समझ नहीं आ रही है कैसे चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता भाई हो रहा क्या है असल में, हमारे साथ हो रहा क्या है। और डॉलर देखें कहाँ निकल गया है, हर चीज़ खाने पीने की चीज़ महंगी, ना बंदा कोई चीज़ ख़रीद सकता है, एक हुई फिर एंड पे बात वही आती है मिडिल क्लास तबका बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमें अपने नेबर्स को देखते हुए, चीज़ों को सीखते हुए, उनके विजन को देखते हुए अपने पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए और कैसे ले जा सकते हैं? सर इसका एक ही हल है कि हमें अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए, एक इनके दुश्मनी के बिना पे होकर हमने लोगों के जो जहनों में नफरत भरी हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए। जब तक फ्रेंडली माहौल नहीं होगा, ट्रेड नहीं शुरू होगी तब तक नहीं हो सकता, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपने। अगर बात की जाए बड़ी इकोनॉमीज की तो इधर साइड देखा जाए तो चाइना है, अगर इस साइड पे देखा जाए तो इंडिया है, एक यूएसए नंबर वन पे है ना, तो अभी इनके साथ अगर हम ज़रा से ज़्यादा, चाइना तो आपको लगता है कि चाइना हमें बेनिफिट दे रहा है, मुझे लगता है कि चाइना हम पाकिस्तान से ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ऐसे कौन बेनिफिट, हम उसको दोस्त कहते रहे, अब देखें ना हम कहते हैं जी चाइना हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, सी पैक उन्होंने हमें दे दिया, सी पैक उन्होंने किसके लिए दिया है आप ये देखें, अपने लिए अगर कुछ चीज़ हमें दे रहे हैं तो अपना बिजनेस उठा के उधर दे, यही बिजनेस हम अगर इंडिया के साथ कर रहे होते तुम्हारा और ज्यादा फायदा हो, वही ना यही तो हमारी वो है कि हम अब साइड ही गलत पे चल गलत साइड पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, ठीक, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर हो जाए इंशाल्लाह, दुआएं कर सकते हैं आप भी दुआ कर सकते हैं, हाँ जी दुआएं साथ हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम जाएंगे बुलंदियों पे भी जाएंगे लेकिन बस हमें सबसे पहले अपना पॉजिटिव हो गए तो माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, ये जो फजूल सियासत से निकलना पड़ेगा, हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सेक्टर पर तवज्जो देनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो
अब सियासतदानों को चाहिए कि अब इन चीज़ों से निकलें, मुल्क के लिए सोच लें। खुदा जैसी सोच अगर सारी यूथ की हो गई ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर भी जाएगा। बहुत शुक्रिया। हर कोई चाहता है पाकिस्तान तरक्की करे, बस ऊपर के कुछ लोग होते हैं मतलब वो पहले वो चाह लें तो सब कुछ हो जाना है, मुल्क सही हो जाएगा। लेकिन बस वही चीज़ है कि भाई अपना पहले माइंड सेट हम सबको चेंज करना है। हम दूसरे पे तनकीद अच्छे से कर लेते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। हाँ, अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये ज़रूर देखते हैं। बिल्कुल, ये दूसरे पे तनकीद, कोई बड़ा आदमी बन जाए तो पहले सबसे पहले उस पर कोई कीचड़ उछालेंगे। हाँ। उसे भाई गिराने की कोशिश करेंगे। हाँ। बस ठीक है, वो बन गया, आप भी कोशिश करो। आप भी मुल्की लेवल पे है अगर इंडिया, बिल्कुल। हाँ जी, हम ये नहीं देखेंगे हम कितना पीछे रह गए, हम बस इंडिया को बस हम कोई फजूल बात में ही हम ना उसके पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, इंस्पिरेशन लेने की बजाय हम बिल्कुल बेहतर कर ले। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हम नहीं कर रहे जो करना चाहिए। हमें उन दूसरों से सबक ले सीखना चाहिए, देखना चाहिए वो कैसे आगे बढ़े। तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कर्जे ले ले के मतलब ये मुल्क नहीं, ऐसे नहीं चलते। अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को अच्छा करें, अपने और दूसरी इम्पोर्ट को कम करें। बिल्कुल सही बात है, अपनी ये चीज़ें करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे, तभी हो सकता है। गरीब के बारे में सबसे पहले सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साबर अली। क्या करते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं, यहाँ पर काम के लिए आए हैं। मतलब आप भी बेरोज़गार हैं, बाकी तकरीबन 80% आवाम पाकिस्तानी आवाम की तरह आपको भी रोज़गार नहीं मिल रहा? जी, 3 दिन से आए हुए हैं लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। काम मिल ही नहीं रहा इस महंगाई के दौर में? आपको लगता है काम मिल जाएगा जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं? नहीं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, काम नहीं मिल रहा, 3 दिन से दिलील खजल हो रहे हैं। अच्छा, अपने नेबर्स कंट्री इंडिया का पता है, इंडिया देश का तो पता होगा कि कहाँ पर जा रहा है? हाँ जी, वो भी वो तो ठीक है। कहाँ पर जा रहा है वो? फिलहाल खुशहाल ही जा रहा है। खुशहाल जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, और अभी उनके एक मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया है वो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो 5वीं बन गए हैं अब वो 3री भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो अब पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है, 3री बन जाएंगे। हाँ जी, ये अपने मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। और इंडिया के? वो खुशहाल जा रहा है पाकिस्तान से। तो इनको फिर कुछ शर्म कर लेनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, कि यार वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, सब दुनिया बर्बाद हो ही जा रही है, इसको सोचना चाहिए हुक्मरानों को कि काम हालात सेट करने चाहिए। लेकिन ये तो हमारे लोगों में नफरतें डाल रहे हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, और वो अपनी तरक्की पे फोकस किए हुआ है। हम दुश्मनी दुश्मनी खेल के अपनी यूथ का दिमाग जो है उसको जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव साइड पर लेके जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये वाम को लूट रहे हैं, हमारे हुक्मरान जो है ना वो वाम को लूट ही रहे हैं। ठीक है, माइंड सेट जो नेगेटिव किया जा रहा है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पीस, अमन, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ तल्लुकात की तरफ आना पड़ेगा। ये दुश्मनी दुश्मनी खेलनी पड़ेगी, ये इसको कुछ हाँ अवाम ही करके दिखाएगी, इसके अवाम के खिलाफ हो या अवाम की सोच बदलेगी तो बात बनेगी, वरना हुक्मरान तो कभी नहीं बदलने दे। नहीं नहीं, हुक्मरान कभी नहीं बदलने, ये ऐसा ही रहना, अवाम कुछ करेगी तो ये हालात सेट होंगे। ठीक, लेकिन और, ये और इंडिया 3री बड़ी इकॉनमी बनती नज़र आ रही है आपको? हाँ जी, वो खुशहाल जा रहा है काम। अच्छा, तो क्या वजह है कि वो अपने आप को बहुत ऊपर लेके चले गए और हम आज डिफॉल्ट और जो है रोटी के लिए मर रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, मैं तो वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा जहाँ पर वो पहुँच गए हैं, हमारे पास वो लाइन ही नहीं है और हमारे पास वो भी लाइन नहीं है कहाँ पे हम पहुँच गए हैं। जी सर, वो वाम भी साथ दे रही है, वो हुक्मरान भी साथ दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ वो मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ टैलेंटेड भी हैं। हाँ जी, वो सब कुछ है उसके पास। हम पिछले दिनों जो है वो जर्मन के CEOs आए हैं, जर्मन के चांसलर्स आए हैं और वो कह गए हैं इंडिया के कितना टैलेंट है, इंडिया के टैलेंटेड है, इंडिया टैलेंटेड है, हमारी तो कोई दुनिया में बात ही नहीं करता, उनके टैलेंट क्योंकि उन्होंने खुद को मनवा लिया। हाँ जी, वो हमसे बेहतर ही जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी सलीम। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ, शेफ़ की जॉब करते हैं। जी आपका क्या नाम और क्या करते हैं? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, मैं भी शेफ़ की जॉब करता हूँ लेकिन इस वक्त जॉब लेस हूँ। अभी जॉब लेस और जॉब ढूंढ रहे हैं? जी तो क्या हालात चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में, आपको जॉब के मिल रही हैं और हालात घर चलाना कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल है, जब से मुझे 2 मंथ हो गए हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही। अच्छा। जहाँ से कॉल आती है वो 3 दिन का टाइम देते हैं और 3 दिन बाद कोई कॉल वगैरह बैक कॉल नहीं आती। तो मतलब हालात ज़रा डाउन है, आप बताएं कैसे हालात गुजारा चल रहा है?
जी बिल्कुल, हम इकट्ठे ही आए हैं गांव से, यानी कि तकरीबन 3-4 मंथ हो गए हैं, जलील हो रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही कोई भी। ठीक, अभी पाकिस्तान के ये हालात हैं कि यहाँ की जो आवाम है और महंगाई है, इसके ये हालात आपके सामने। अगर मैं साथ ही नेबर कंट्री की बात करूँ तो उनके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 5 सालों के बाद, हम अभी दुनिया की 5वीं इकानमी है लेकिन 5 सालों के बाद हम दुनिया की 3री बड़ी इकानमी बन जाएंगे US से चाइना के बाद। तो कैसे देख रहे हैं नेबर्स की तरक्की और अपनी तरक्की? सर ये देखें ना, उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में कितना फ़र्क है। हमारा जो 1 पैसा 1 रुपया उनके 3 रुपये बनते हैं, हमारे 1 रुपया हमारे 3 रुपये बनते हैं, बिल्कुल ये सीन है। और करेंसी वो हमारी करेंसी दिन ब दिन डाउन हो रही है, और वो कुछ तो नहीं, हमने की है ना अपनी डाउन और उन्होंने अपनी अप की है, अप की है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो आपको लगता है कि वो है जो 5 सालों में दुनिया की 3री बड़ी इकानमी बन जाएंगे, अभी 5वीं है जी? जिस हिसाब से दूसरी का लगता है वो, तो उन्होंने 3री का कहा तो हमें तो दूसरी का लगता है, जिस तरह वो कर रहे हैं अपने अमेरिका के बाद। हाँ जी, चाइना को क्रॉस करेंगे? नहीं, चाइना को तो नहीं क्रॉस करेंगे, तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे आ सकती है कोई, मतलब क्योंकि आपको तरक्की सामने नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हालात डाउन देख लें, अभी लास्ट टाइम मोदी ने भी कहा था कि जिस तरह के उनके हालात हैं, अगर ये एटमी ताकत ना होती तो हम इस पर हमला कर सके होते अपने, ये तो मोदी ने भी कहा है ना। तो ये हालात के जिम्मेदार तो हम खुद हुए ना, अपने हम अपने अपने बुरे खुद अपने हालात कर। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन ये जो हमारे सियासतदान है ये आपस में लड़ते रहेंगे और पिसती रहेगी हमारे जैसी आवाम। सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, पिसती रहेगी हमारी आवाम। उन्होंने कैसे अपने आप को बेहतर कर लिया, उन्होंने कैसे अपने आप को इतना तरक्की याफ्ता कर लिया, उन्होंने क्या कैसा किया जो हम नहीं कर पाए? क्या किया उन्होंने लोगों को, हमारी हमें लूटा है और किस लिए गया, हर चीज़ पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हमारों ने लूटा, इंडिया ने कैसे अपने आप को ऊपर लेके आ? वो उनके जो सियासतदान हैं उनसे, वो जो उनकी जो पब्लिक है वो उनकी ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो उनसे हम पब्लिक को वो लाइफ दे रहे हैं, लाइफ भी दे रहे हैं ना, तो लेकिन हमें वो लाइफ भी नहीं मिल रही। जब हमें वैसी लाइफ नहीं मिलेगी तो फिर वो जो उनसे हुक्मरान है पब्लिक को खा खा के खुद बाहर जा रहे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो हमारे जैसे जो उनसे है ना उनको जॉब भी नहीं मिल रही। अच्छा, आपने ज़िंदगी में ये तो सुना होगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है? जी दुश्मन तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी मानते हैं इसको दुश्मन? नहीं नहीं नहीं, वो जो उनसे हुआ है ना ये पॉलिटिशियन सारे इनकी वजह से, और कुछ अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तानी पब्लिक में, पाकिस्तानी पब्लिक को पता लग गया है कि दुश्मन हम अपने खुद के ही हैं, हम अपने बुरे हालात खुद हमने बनाए हुए हैं, उसने हमारा दुश्मनी नहीं है। ये जो कंसेप्ट आपका है, आप ये सोचते हैं कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, उनसे सीखना चाहिए, और ये कंसेप्ट अगर सारे पाकिस्तान की यंग जनरेशन का हो तो हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। यार वैसे तो देखा जाए ना, हम उनको दुश्मन कहते हैं, हमारे अपने पाकिस्तान में देखा जाए तो सारा ये निज़ाम है, हर कोई एक दूसरे को ये कहता है कि वो खराब है ये खराब है, सारे एक दूसरे से बहुत तंग है। वैसे ही हम उसको आके हम दे देते हैं कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया में क्या कह रहा है वो, आके मैं तंग कर रहा है इधर कुछ कर रहा है, नहीं ना हो रहा कुछ भी। हमारे क्या लगता है कि वो हमारे दुश्मन है? नहीं दुश्मन है, क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स भी हैं होती हैं इंडियन से। हाँ होती हैं। कैसा लगता है आप उनसे? मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं, मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हैं अच्छे तरीके, लेकिन जब हम बात करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह का हमारा दोनों मुल्कों का माहौल बना हुआ है ना इस वक्त, तो हमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाले मामलात ने जो है ना दुश्मनी क्रिएट कराई हुई है, अवाम में नहीं है, अवाम में नहीं है। हाँ बस यही है, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ, और कॉल भी वो ट्रेस वगैरह कर लेते हैं ना इस वजह से, लेकिन जो उनसे पब्लिक है ना वो एक दूसरे, ये हमारे जो उनसे ऊपर सियासतदान हैं नहीं हमें तो वो क्या जो हमारा दिमाग लगता है कि इंडियंस जो है बड़े मेहनती कौम है, अगर मेहनती कौम है तो आज वो दुनिया में अपना अपने आप को शेड करा रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, अब 3री के ख्वाब देख रहे हैं, अगले 5 सालों में 3री बन गए, तो इंडियंस तो अब पहले ही पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, पीछे से फिर छा जाएंगे? नहीं, मेहनत की बात तो करें, इंडियन पाकिस्तानी भी मेहनती हैं, ये नहीं करते क्या, नज़र नहीं आते हैं, हमें देखा नहीं जाता, नज़र आते हैं लेकिन हमें इग्नोर कर दिया जाता है, हमें देखा नहीं जाता, ये भी पॉइंट है। हाँ हमें देखा नहीं जाता है कि हमें आगे लाया ही नहीं जा रहा, लाया नहीं जा रहा। जो उनसे पाकिस्तान में इंडिया से अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे वो आज की जो उनकी मर्जिस्ट्रेशन चल रही है उनसे ज़्यादा माइंडेड है, लेकिन लो जो हमें ये लगता है, मैं यहाँ पर डिसएग्री करूँगा, मुझे ये लगता है कि जो मेहनती होता है वो आगे आ जाता है, और उनको हुकूमत फैसिलिटीज़ दे रही है, हमारी हुकूमत हमारी आवाम को फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, लेकिन वो खुद अपनी हिम्मत के तहत भी आगे निकल आ जाते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए ना, कहीं भी किसी भी अदारे में चले जाए ना, आपका जितने मर्जी आपने क्वालिफिकेशन आप किया है, लेकिन जब तक आप उस उन बंदों को रिश्वत नहीं देंगे तब तक आपको कोई जॉब नहीं यहाँ पे। यहाँ पे वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए फिर वहाँ पे आप जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे हर डिपार्टमेंट हमसे रिश्वत लेके आगे चल रहा है। अच्छा, आज़ाद दोनों हम इकट्ठे हुए, आज वो दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी की बातें कर रहे हैं और आज हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, क्या हमें उनसे सीखना चाहिए?
जी हमारी जो सोच है ना, हम अपनी सोच को बस अच्छा करना चाहिए और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, मोहब्बत, अमन, प्यार मोहब्बत, तल्लुकात अच्छे, पीस, इस तरफ जाना पड़ेगा, फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। जो हमारे माइंड सेट में एक नफरत डाल दी गई है ना, उस नफरत को निकालना पड़ेगा। जी सर, हम उनको ना देखें, हम अपना तो देखें ना, हमारा क्या सिस्टम चल रहा है। हम बाहर से लड़ाई और झगड़ा इंडिया को दुश्मन बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हमारे अपने हालात ठीक नहीं मुल्क के, आप खुद ही देख रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, उससे कम अज कम बंदा सीख तो सकता है। सीख तो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही। चीजें अच्छी अपने मुल्क में करके अपने मुल्क का नाम ऊपर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। खुद खराब कर रहे हैं तो कसूरवार हम इंडिया को ठहरा रहे हैं, अमेरिका को ठहरा रहे हैं। गरीब सवाल है कि हम अपने आप मुल्क में बेड़ा गर्क कर जा रहे हैं, कसूरवार इंडिया है तो अमेरिका, अमेरिका है। जी ये चीज है। एंड पे क्या मैसेज देंगे अपनी आवाम को? खुदारा अपने मुल्क के पाकिस्तान के हालात बेहतर कर ले। अपने सियासतदानों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि हमारा प्यारा पाकिस्तान और हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो अच्छा ऊपर से ऊपर आए। हम बस ये इतना ही कहना चाहेंगे, प्लीज़ इस मुल्क को संभालें। बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानियों से हमें मिला है ये, तो अपने आप का ना सोचें, दूसरों का सोचेंगे तो आपको अपना कुछ अपना बनेगा। तो जब आप किसी का नहीं सोचेंगे तो आप अपना भी कुछ नहीं बना लेंगे, बना सकेंगे। आप कहते रहेंगे कि मेरा बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, लेकिन लास्ट में वही आपका नुकसान होता है और दूसरे का फ़ायदा हो जाता है। जब तक आप दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचेंगे तब तक आप अपने साथ फ़ायदा नहीं। जी तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, सभी का ये कहना था कि वो बन जाएंगे तीसरी बड़ी इकॉनमी आने वाले 5 सालों में, और मुझे भी लगता है कि 5 सालों में वो बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वो कैसे बन जाएंगे, क्योंकि उनका एक विजन है, क्योंकि एक विजन पर चले हुए हैं, वो आज नहीं चले हुए, वो बहुत सालों पीछे जो है उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि हमने क्या करना है और दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ना है और दुनिया को कम्पीट कैसे करना है। बड़े बड़े जो टाइकॉन्स बैठे हुए हैं इस दुनिया में, उनको कैसे पीछे छोड़ना है, वो इस स्ट्रेटजी पे चले हुए हैं। और हम किस स्ट्रेटजी पे चले हुए हैं कि आज किसको गिराना है और कल किसकी हुकूमत लानी है और कल कौन आएगा और परसों कौन चला जाएगा, आटा किसको देना है कि नहीं देना। हमारे ये हालात इन्होंने कर दिए हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, और वहाँ जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं दुनिया में आगे जाने की। सिचुएशन आपके सामने है, अब ना हंसने वाली सिचुएशन रही है हमारी ना रोने वाली, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि हम अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि भाई वो उनसे हमें इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, ना कि नफरत रखनी चाहिए, ना कि हम उनको बुरा भला कहें। हमारी जो पब्लिक है वो अवेयर हो रही है, अब पब्लिक को ये मानना पड़ रहा है कि जी वाकई वो बहुत आगे जा रहे हैं और हम बहुत पीछे जा रहे हैं। और जब कोई इंसान किसी की तारीफ़ करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, इंस्पायरेशन लेता है कि भाई वाकई वो बहुत आगे हैं, जब वो मान जाता है चीज़ अपने आप की गलतियां, मान जाता है कि हम क्यों पीछे हैं, फिर उस कंट्री की तरक्की भी होना शुरू हो जाती है। और हम भी एज़ अ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि एशिया में हम भी तरक्की करें जिस तरह के इंडिया तरक्की कर रहा है, और इसी तरह हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो अच्छा करेगा उसकी हम अप्रिसिएशन करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।